يعلمون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العلي العظيم ليس بتشريف فرما ليس بسبب سبسكرايب میرے بزرگو عزیز دوستو جیسے کہ آپ تمام جانتے ہیں قرآن مجید تمام مذاہب کے لیے تمام بنین و انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا اور ہدل الناس کہا اسے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا اسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جب لوگوں سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اے لوگوں تم زمین پر فساد مت کرو تو کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں پھر قرآن فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون جان لو وہی لوگ فسادی ہیں لیکن اس کو ان کا شعور نہیں ہے تو یہ بات بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ اگر فساد کرتے ہیں یا پھر وہ لوگ کسی کے ساتھ گڑبڑی کرتے ہیں کچھ پریشانی کرتے ہیں تو اس وقت ہم کو اس بات کی طرف توجہ دینا ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے مذہب کے خلاف ہے تو پھر ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہوگا بچوں کو سمجھانا ہوگا کہ ہم اپنے ملک کو کس طریقے سے ترقی دے سکتے ہیں اپنی ریاست کو کیسے ترقی دے سکتے ہیں تمام ہی مذہب ہم کو فساد سے روکتے ہیں تو یہ جو پروگرام آئے ہیں ایسے پروگرام کے وقت میں ہم چاہیں گے کہ اپنے بچوں کو بہترین انداز میں ہم انہیں پریپیئر کریں تیار کریں اور وہ لوگ ہمارے تمام پروگرام کو اچھے سے اچھا لے کر چلیں یہی ہماری گزارش ہے ساتھ అంటే మన మనిషి ఒక మనిషి శాంతి ఉండాలంటే ఉత్తర శాంతి ఉండాలి చెట్టు శాంతి ఉండాలి నీరు శాంతి ఉండాలి అగ్ని శాంతి ఉండాలి శాంతి వినాయకుడు శబ్దాన్ని రసిపిస్తున్నాయి ధర్మాన్ని నైపోలేదు మన మనసు శాంతి భగవంతుడా ప్రపంచాన్ని అంతా శాంతి ఉంచు ఉంటే నేను మంచి శాంతి ఉంటాను చెప్పి तो उसको जिस तरह से हम लोग हमारे एरिया में फीड करते आते लोग मस्जिद में जाके बोलते खिलाते रहते इमाम साहब है जब दुआ करते हो बोलते अपने बच्चों को भी तारीफ करो बोलते जैसा कि मंदिर वगैरह के बाद नरसिंह माता है सुनते हम लोग मिलते ठहर के प्रोसेशन हुई गोना रह जाए गणेश है बालापुर से गणेश को हम मेडल को लेकर आते थे तो बिल्कुल पीसफुल हम चाहते हैं कि पीसफुल तरीके से हमारे एरिया से चले जाए हर कोई अपना सोचें कि आप अपने एरिया से वो बाहर निकालेंगे तो पूरा हैदराबाद पीसफुल जाता अपना आंध्र प्रदेश सॉरी तेलंगाना में पीसफुल जाता हमारे सीएम साहब हमारे जितने भी लोग हैं आराम से बैठ सकते हैं और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो पुलिस वालों को होती है रात दिन मेहनत करते हुए ज़रा कुछ इंसिडेंट होते एकदम अलर्ट करते लोग भागते बहुत पुकारा भी होता तो मैं आप लोग से गुजारिश करती हूँ इनोसेंट पर्सन जो भी आपको आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली पुलिस को बोलना यानी पीस कमेटी की मीटिंग में पधारे सभी मेरे भाइयों और पुलिस ऑफिसर्स इंस्पेक्टर लेवल में और एसीपी लेवल में और जो भी पुलिस के कर्मचारी हैं उन सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज की मीटिंग ये हमारे लिए नई बात नहीं है बहुत ही पुराने दौर की बातें चलते आ रही है हमारे पीस कमेटी की ओल्ड सिटी से एक पीस कमेटी का आइकन अगर कोई है बोले तो मैं जानने वाला हमारे ब्रह्मचारी साहब को क्योंकि चारी साहब हमारे लिए बहुत उम्र भी बड़े हैं हम उनके मीटिंगों में कभी उधर जाते जब आते जब उनके बातों में बहुत ही नरम बना उनका एक शांति मंत्र भी पढ़ते थे उन्होंने शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में शांति राष्ट्र सुवन सुवन में तीनों लोक में भी शांति हो ऐसी हमारी कामना है वो कभी भी सिद्धि होने के लिए हर इंसान के बीच में शांति की अमन शांति की कभी भी पहल रहते हुए रहना चाहिए बोल के उन्हें बात बोलते थे और आज के इस मीटिंग में आज एक ही मीटिंग नहीं कई हमारे त्यौहार आते हैं मिलजुल के आते हैं कभी दो चार दिन के लिए या ना तो एक हफ्ते दस दिन के लिए मीटिंग आप जो भी बुलाते हैं जो भी त्यौहार आते हैं हमारे साथ ही साथ मिल के आते रहते हैं ये हमारी तहसीब है लेकिन मैं जहाँ तक मैं मेरी बचपन से मैं हैदराबाद चौरसे में हूँ मेरी पैदाइशी वहीं से मेरे दादा परदादा भी वहीं से कभी भी देखता हूँ मेरे जहाँ तक पहचान में आया अपने यहाँ के लोगों में कोई फिरका परस्ती नहीं है थोड़े दिनों के लिए थोड़ी बातों के लिए थोड़े अपने मैं बने के लिए छोटे छोटे बातें लोगों के बीच में छोड़ देते हैं उसी उसमें लोग थोड़े अनपढ़ लोग थोड़े जायज़ लोग उसको मैं बने में ले लेकर उसको बढ़ावा करके आपस में अपने लोग में
बिछाड़ देते हैं, अच्छी सी माहौल को बिछाड़ देते हैं। मैं ये जाना और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, सभी लोग अभी कोई भी ऐसा सोच नहीं सकता कि हमारे बीच में ऐसी कभी गड़बड़ हो, हमारे बीच में कभी ऐसा माहौल पैदा हो, हमारे बीच में नफरत पैदा ना हो। सच न्यूज़ की टीम आज फलकनुमा एसीपी ऑफिस के पे मौजूद है क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर सीरा नौमी और इसके बाद में शबे मेराज ऐसे कई ओकेशंस जो है ना आने वाले हैं, उसके लिए पीस के लिए कि पीस कमेटी की एक बैठक बुलाई गई, उसमें कहा गया कि पीस को सबसे ज़्यादा अहमियत देना है। और पीस के तालुक से आइए हम एसीपी साहब मिस्टर ताजुद्दीन साहब से हम बात करते हैं कि पीस के लिए पुलिस अपने तरफ से क्या क्या काम कर रही है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। मकसद ये था कि पीस कमेटी मेंबर्स को बुलाए और उनका जैसे कि एक्सपीरियंस शेयर करे और उन लोगों से जो क्योंकि जैसे कि पीस कमेटी मेंबर्स तो यहाँ के रहने वाले, हम लोग पुलिस वाले आते 3-4 साल काम करते और फिर ट्रांसफ़र पे चले जाते, तो ये लोग एक्चुअली यहाँ के लोग हैं और हम इनके लिए फेस्टिवल मूड बना रहे हैं, एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, तो इनके टेस्ट के लिहाज से इनको सहूलत देना अपना काम है। तो हर कम्युनिटी से पीस कमेटी मेंबर्स को बुलाए और जो लास्ट ईयर इससे पहले जो भी प्रॉब्लम्स हुए और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश के इसमें जैसे इनको बुला रहा गया पर। वो भी कर रहे हैं हम लोग, कल से जैसे कि आवाम तक हमारे हर पुलिस टीम जाएगी, कल से जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन हर टेंपल को पुलिस विजिट करेंगे, इवन मैं भी विजिट करूंगा, वो होगा कल से शुरू होगा प्रोग्राम वो भी। से बात करने के लिए शुक्रिया सर। तो नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं ये थे हमारे ताजुद्दीन साहब जो है एसीपी ताजुद्दीन साहब, कैमरामैन रहमत के साथ आपका मेजबान जावेद, सच न्यूज़ के लिए।